हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पीछे एक सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उसको दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। इट वॉज सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर हेड कैपिटल गेन्स, ये हमने पढ़ा था। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से आया है उसको एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान देंगे, हमने क्या कहा कि कैसे एक इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उनको होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि कहीं से हुआ हो, किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने से हुआ हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को किसी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बचा सकते हैं, ये हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं वो आपने सुनी है। पहली बात, ये बेनिफिट जो 54F का जो बेनिफिट है, दिस इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिर्फ ये बेनिफिट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही अवेलेबल है, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही अवेलेबल है। उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहां से हो? फ्रॉम एनी कैपिटल एसेट, किसी भी कैपिटल एसेट से ये गेन हो सकता है, बट किससे नहीं होना चाहिए? एक्सेप्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उससे नहीं होना चाहिए। और उनको करना क्या है, जिस दिन ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, से हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको बेटर वे में ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। कि मान लीजिए ये एक साल है, मैं सिर्फ 4 साल यहाँ पे बना लेता हूँ, 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ऐसा हमने। ये करंट ईयर है, मान लीजिए 2019 and 2020, एंड दिस इज द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन ये अपने कैपिटल एसेट को बेचते हैं, से इनके पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी को ये सेल करते हैं जिससे इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है कि उस ज्वेलरी को इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन 36 months, तो वो एसेट कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसको बेचा तो जो गेन हुआ वो कौन सा गेन कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जांपल ले रहा हूं, तो जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर है उसको हम जीरो डेट कंसिडर कर रहे हैं। लॉ कहता है, सेक्शन 54F कहता है कि इस डेट से -1 year, इस डेट से 1 साल पहले, मीन्स 1 साल के पहले, और 2 years आफ्टर, दैट इज से 1 year एंड 2 years आफ्टर, इस पीरियड के दौरान असेसी नया घर क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। असेसी इस पीरियड के दौरान नया घर क्या कर सकता है? परचेज करने का टाइम है कि आपने क्या किया है, कैपिटल एसेट बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो गया है, आप चाहते हो कि उस कैपिटल गेन को मैं बचा लूँ, एग्जम्प्ट करवा लूँ, तो उसके लिए आपको वो पैसा किसी नए घर को परचेज करने में खर्चना पड़ेगा, या तो जिस दिन बेचा है उससे 1 साल पहले के पीरियड के दौरान आप उसको परचेज कर सकते हो, या 2 years आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आप उसको क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। सो ये इन्होंने टाइम दिया है जिसमें आप ऐसा कर सकते हो। और अगर असेसी चाहता है कि मैं घर को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो असेसी घर को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए लॉ ने हमें टाइम दिया है, 54F ने हमें टाइम दिया है असेसी को 3 साल का। सो 1 साल से 2 years एंड दिस इज 3 years, तो इस 3 साल के पीरियड के दौरान असेसी क्या कर सकता है? उस नए घर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ये रिक्वायर्ड। अब बात वहीं पे आती है कि यहां पे क्योंकि
इस समय मान लीजिए एसएससी की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आती है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आती है से 31 जुलाई इज द डेट जो कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम है। तो बिफोर दिस डेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि या तो आपने घर को परचेज कर लिया हो या कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा दिया हो, अदरवाइज आप ये अमाउंट कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, ये खाता खुलता है बैंक में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 1988 की स्कीम है उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करवा दीजिए, जिस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले आप यहां पे पैसा जमा करवा दीजिए और बाद में उस स्कीम से पैसा निकाल कर आप नया घर परचेज भी कर सकते हैं, आप नया घर क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 54 आपको अलाउ करता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आप नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करके किसमें, या तो नया घर परचेज करने के लिए, ये परचेज करने के लिए बात हो रही है, और ये कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है कि आप नया घर कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा सकते हैं। परचेज करना है तो 1 ईयर बिफोर के पीरियड के दौरान या 2 ईयर्स आफ्टर के पीरियड के दौरान आप परचेज करेंगे, ये परचेज करने का पीरियड है। और अगर एसएससी सोचता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है तो लॉ ने एसएससी को 3 ईयर्स का टाइम जो है वो ग्रांट किया है, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन डिपार्टमेंट को इस बात की तसल्ली कैसे बैठे कि आप ये कर दोगे इतनी देर में, तो उन्होंने कहा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले अगर एसएससी ने ये नहीं किया है और एसएससी ये कहता है कि मैं फ्यूचर में इसको कर दूंगा, तो एसएससी वो पैसा कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट करवा दे और वहां से ये पैसा निकाल कर वो परचेज कर ले और कंस्ट्रक्ट कर ले जो वो करना चाहता है वो। बट इस सेक्शन के अंदर एक इशू है बहुत अच्छे वाला, और वो इशू ये कहता है कि इस जो नया घर एसएससी ने परचेज किया है, इसके अलावा जो नया घर एसएससी ने कंस्ट्रक्ट किया है या परचेज किया है, इसके अलावा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एसएससी के पास मैक्सिमम एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर एसएससी के पास ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो हमने ये नया घर परचेज किया है या न्यू घर कंस्ट्रक्ट किया है, इसके अलावा अगर एसएससी के पास एक से ज्यादा अन्य हाउस हैं, तो एसएससी इस सेक्शन का, इस एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं अवेल कर सकता। तो इस एग्जम्पशन के बेनिफिट को अवेल करने की ये प्री कंडीशन है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो ये नया घर इस सेक्शन के पर्पस के लिए परचेज किया गया है या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये और इसके अलावा एक अन्य हाउस बस एसएससी के पास हो सकता है रेजिडेंशियल हाउस, उससे ज्यादा अगर एसएससी के पास हाउस हैं यहां पे डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन, तो एसएससी को 54F का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जो हमने अभी पीछे सेक्शंस कवर किए हैं जैसे 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, इन सभी सेक्शंस के अंदर जो इन्वेस्ट करना था that was capital gain, amount of capital gain was required to be invested, अगर एसएससी कम इन्वेस्ट करता था तो उसका गेन कम exempt हो जाता था, और अगर गेन की अमाउंट या गेन की अमाउंट से ज्यादा इन्वेस्ट करता था तो पूरा गेन जो है वो exempt हो जाता था। लेकिन 54F एक ऐसा सेक्शन है जो कि गेन इन्वेस्ट करने को नहीं कहता, ये कहता है कि आपको जो इन्वेस्ट करना है ना, दैट इज नेट कंसिडरेशन, ये वर्ड लेता है नेट कंसिडरेशन, एसएससी नीड टू इन्वेस्ट नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन का मतलब है कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है माइनस जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर है, वो लेस करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड नेट कंसिडरेशन। अगर एसएससी ये नेट कंसिडरेशन ही इन्वेस्ट कर देता है तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर एसएससी नेट कंसिडरेशन से कम राशि इन्वेस्ट करता है देन प्रोपोर्शनेटली
उसको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन जो है, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन इस सेक्शन 54F के अंदर दी जाएगी। तो आपने कंडीशंस अगर देखी तो ये ऑलमोस्ट 54 जैसी हैं। इन्वेस्ट यहां पे भी हाउस में करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करना है, और दूसरी बात एक ही जगह पे करना है, एक ही घर के अंदर करना है, और अगली बात बस फर्क है तो नेट कंसीडरेशन का, कि नेट कंसीडरेशन ये पीरियड भी सेम है कि माइनस वन ईयर प्लस टू ईयर परचेज करने के लिए और प्लस थ्री ईयर्स कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये हमें सेक्शन 54F कह रहा है। सो इसमें और क्या है ये मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ, एक अच्छा सेक्शन ये माना जाता है। तो मैंने बताया अगर एसएससी नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट कर देगा तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर वेयर पार्ट ऑफ द नेट कंसीडरेशन इज इन्वेस्टेड, कि जहां पे पार्ट ऑफ नेट कंसीडरेशन ही इन्वेस्ट किया जाता है, वहां पे प्रोपोर्शनेटली एग्जम्पशन मिलेगी। कैसे मिलेगी? लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द एसएससी ऑब्लिक नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन कैसे आती है ये मैंने आपको बता दिया, और इसकी कंडीशन क्या है वो भी बताया कि दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन द एसएससी डज नॉट ओन मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट, ऑन द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट एक्सक्लूसिव ऑफ वन विच ही हैज बॉट फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन सेक्शन 54F। 54F की एग्जम्पशन के लिए हमने मकान में इन्वेस्ट किया है, घर में इन्वेस्ट किया है, उसके अलावा एसएससी उसमें टाइम पीरियड दिया है ना, जैसे वन ईयर बिफोर, कि हो सकता है एसएससी ने परचेज कर लिया हो, ठीक है, उस पीरियड के दौरान, तो उसको छोड़ के एसएससी के पास बस एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तभी एसएससी को यह बेनिफिट जो है वो ग्रांट होगा। This exemption is available only to individual or HUF. अगर आप individual हैं या Hindu undivided family हैं, तभी आपको इस exemption का benefit मिलेगा। जो gain आपको होना चाहिए वो long term capital gain होना चाहिए, और वो gain होना चाहिए किसी भी capital asset से other than residential house। और आपने बदले में करना क्या है, what is required from you? आपने एक साल पहले या दो साल बाद के period के अंदर मकान बनाना purchase करना है, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो डेट ऑफ ट्रांसफर से तीन साल के अंदर घर को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये सेक्शन रिक्वायर आपसे करता है। रूल वही मैंने आपको जो बताया कि अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं जैसा कि ये सेक्शन आपसे रिक्वायर करता है, तो आपको पैसा कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में रखना पड़ेगा, और ये पैसा आपने जो टाइम पीरियड आपको दिए गए हैं 2 years फॉर द परचेज ऑफ हाउस एंड 3 years कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसके लिए आपने इस पैसे को यूज करना है। अगर एसएससी इस स्कीम में रखे पैसे को समय गुजर जाता है और यूज नहीं कर पाता, तो जिस समय में, जिस साल में ये पीरियड एक्सपायर होएगा, ये उस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे, ये उस साल में टैक्सेबल हो जाएंगे। कैसे टैक्सेबल होंगे मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कितनी इसके केस में टैक्सेबिलिटी बनती है वो सुनो। जो एग्जम्पशन ये असल में चेक करना चाहते हैं कि एसएससी ने इनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करी नहीं, कि एसएससी को कहा गया था कि तुम माइनस वन प्लस टू ईयर्स के पीरियड के अंदर घर परचेज कर लो, या प्लस थ्री ईयर्स के पीरियड के अंदर घर कंस्ट्रक्ट कर लो, आपने वो रिक्वायरमेंट तो पूरी करी नहीं, स्कीम में पैसा जमा करा लिया लेकिन स्कीम से पैसा निकाल कर यूज तो उस पर्पजेज के लिए किया नहीं, तो इसलिए ये कहते हैं कि हम जो एग्जम्पशन बेसिकली आपने पहले ली थी 54F की, उसको रीकास्ट करेंगे, उसको दूसरी बार निकाल कर देखेंगे कि वो कितना आता है। तो उसका तरीका क्या है कि जो एग्जम्पशन हमें 54F की पहले मिली थी उसको रख लो, प्लस जितनी एग्जम्पशन अब आपको मिलनी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट स्पेंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, कि जो अब तो पता लग गया ना आपने कितना पैसा यूज कर लिया है, उसको रिकास्ट कर लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो गैप होगा, वो ही आपकी LTCG बन जाएगा, और उस साल में टैक्स लग जाएगा जिस साल में ये टाइम पीरियड क्या होता है, एक्सपायर होता है। मेरी बात को फॉलो करना, मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम 54F पढ़ रहे हैं। 54F के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी कि पैसा माइनस वन ईयर प्लस टू ईयर्स के अंदर परचेज करने में लगाना है न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, या फिर
आपने 3 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ ट्रांसफर से नया घर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर स्कीम में पैसा आपने डिपॉजिट तो करवा दिया, एग्जम्पशन भी क्लेम कर ली, लेकिन पता लगा समय एक्सपायर हो गया और आपने उस पैसे को यूज नहीं किया, 3 ईयर्स एक्सपायर हो गए और आपने उस पैसे को यूज नहीं किया, तो डिपार्टमेंट ये कहता है, लॉ ये कहता है, सेक्शन ये कहता है कि दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी उसके लिए ये है कि उसको रिकास्ट करके देखेंगे कि जितनी एग्जम्पशन ऑलरेडी दी थी आपको और जितनी एग्जम्पशन आपको देनी बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट यूटिलाइज, एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, उसको ये रिकास्ट करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में उस साल में जहां 3 साल का पीरियड एक्सपायर होता है ये उस ईयर की इनकम बन जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। इसमें ये आपको कहते हैं कि जो न्यू हाउस आपने परचेज किया है या कंस्ट्रक्ट किया है आप उसको 3 साल तक उसके ऊपर लॉक इन लगेगा और आप उसको बेच नहीं सकते। इन केस असेसी क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, ये लॉक इन पीरियड की रिक्वायरमेंट को तोड़ देता है। न्यू हाउस को जो न्यू हाउस उसने बनाया था या परचेज किया था 54F की एग्जम्पशन लेने के लिए, उस हाउस को असेसी क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो लॉ कहता है कि जो कैपिटल गेन हमने पहले छोड़ा था वो अब टैक्स कर लिया जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस साल का जिस साल में तुमने न्यू हाउस को, न्यू एसेट को क्या किया है, बेचा है, ट्रांसफर किया है। न्यू हाउस से गेन कैसे होगा, देखो अगर आप उसको 2 साल 24 महीने होल्ड करने से पहले बेच रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कोई इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह का सवाल भी नहीं उठता। और अगर आप उसको 2 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बेच रहे हैं, 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करने के बाद बेच रहे हैं, तो बकायदा रूटीन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। मैं ये सारी बातें एक डायग्राम के थ्रू सम अप कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो। एक और गवर्नमेंट ने राइडर इसमें लगाया हुआ है और वो ये है कि असेसी जो ये टाइम पीरियड है कि 2 साल आफ्टर और 3 ईयर्स आफ्टर, 2 ईयर्स आफ्टर फॉर परचेज एंड 3 ईयर्स आफ्टर फॉर कंस्ट्रक्शन, इस पीरियड के दौरान असेसी क्या नहीं करेगा, कोई नया और अन्य घर परचेज नहीं करेगा या कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। अगर करता है तो जिस साल में वो नया घर परचेज करता है या कंस्ट्रक्ट करता है नया घर और नया घर परचेज करता है 54F वाला नहीं, इसके अलावा तो उस साल में भी सरकार ये कहती है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने पहले छोड़ा था उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम क्या कर लेंगे, टैक्स कर लेंगे। मैं आपको डायग्राम के द्वारा ये सेक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको बेटर वे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। मान लीजिए एक असेसी ने यहाँ पे ज्वेलरी बेची, वो ज्वेलरी उसके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, इसको बेचने से, इसको ट्रांसफर करने से असेसी को, असेसी ने क्या ट्रांसफर किया, असेसी ने ट्रांसफर किया कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से असेसी को क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मान लो इस डेट को ये घटना घटी है तो दिस इज डेट ऑफ ट्रांसफर, ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, इसको हम 0 डेट बोल देते हैं। इस डेट से 1 साल पहले के पीरियड के दौरान या 2 ईयर्स आफ्टर के पीरियड के दौरान असेसी को पैसा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो न्यू हाउस परचेज करने में लगाना है। और अगर असेसी कहता है कि मुझे तो कंस्ट्रक्शन करनी है तो लॉ ने उसको टाइम पीरियड दिया है इस 0 डेट से कितनी देर का, 3 साल का, कि जिसमें वो हाउस प्रॉपर्टी को कंप्लीट करे, ये लॉ कहता है। लेकिन इसमें एक बात समझने की जो बहुत जरूरी है कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे इस सेक्शन के लिए जो घर असेसी ने अगर परचेज किया है तो वो उसको छोड़ दो, उसके अलावा असेसी के पास मैक्सिमम 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही और हो सकती है। अगर असेसी के पास ऑलरेडी 2 हाउस हैं तो ऐसी सिचुएशन में असेसी को हम 54F का लाभ नहीं दे सकते। इस सेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि जिन लोगों के पास एक ही घर है वो इस सेक्शन, इस तरह से और एक अन्य घर बना लें, ना कि ये कि जिनके पास 5-4 घर हैं वो एक घर और बना लें,
ये गवर्नमेंट की इस सेक्शन के द्वारा इंटेंशन नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कंडीशन जो है वो लगाई हुई है। और यही नहीं लगाई हुई, इवन इस 3 साल के पीरियड के दौरान असेसी को नया घर परचेज करना या कंस्ट्रक्ट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है अभी अभी तो उसने सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए ये नया घर या तो परचेज किया है या नया घर क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए गवर्नमेंट उसको इस 2 साल के पीरियड के अंदर कोई और अन्य घर परचेज करने भी नहीं देगी और 3 साल तक नया घर कंस्ट्रक्ट करने भी नहीं देगी। और जो घर असेसी ने इस सेक्शन के लिए लिया है उसको असेसी को वो घर बेचना अलाउड नहीं है। अगर असेसी उस घर को बेचता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट मे बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात जो है वो हम कर रहे थे। अब मैं आपको इसके लिए क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, कोई एग्जांपल कराना चाहूंगा, इलस्ट्रेशन, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर। इसमें देखिए, एम सोल्ड गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑन 16 जुलाई 2019 में मिस्टर एम ने कोई ज्वेलरी बेची और 22 लाख रुपए में बेची, तो दिस इज हिज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये ज्वेलरी उसने 1998 में खरीदी थी फॉर 4 लाख बाय हिज फादर। उसने नहीं खरीदी, उसके पेरेंट ने खरीदी थी, उसके फादर ने खरीदी थी। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर असेसी को कोई चीज गिफ्ट में मिलती है या कोई सक्सेशन में मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में जब पापा से फादर से प्रॉपर्टी बच्चे को गिफ्ट मिलती है, सक्सेशन में मिलती है, देन दैट ट्रांसफर इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और इसमें ट्रांसफरर जो पेरेंट है उसको टैक्स नहीं लगता, उनको टैक्स नहीं लगता, तो नहीं लगा होगा। और एक चीज जो करंट असेसी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एम है वो करंट असेसी, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही मान लिया जाएगा, दैट इज सेक्शन 49(1), ये आपने पढ़ा है। ये भी आपने पढ़ा है कि अगर असेसी ने या प्रीवियस ओनर ने एसेट को 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया है, तो हम असेसी को ये ऑप्शन देते हैं कि वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि 4 लाख है ऑफ द प्रीवियस ओनर, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर उठा सकता है एज हिज डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो 22 लाख है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो करंट असेसी एम है वो 4 लाख भी उठा सकता है और 5 लाख भी उठा सकता है, विच एवर इज हायर। तो डेफिनेटली आप कौन सी कॉस्ट उठाओगे, आप 5 लाख रुपए की कॉस्ट उठाओगे, विच एवर इज हायर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उसके फादर ने ये प्रॉपर्टी एम को सिर्फ अभी दी है, 14 जुलाई 2019 को दी है। आपको एक केस लॉ करवाया गया था मंजुला जेशा बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट, जिसके तहत आपको बताया था कि हम फिर भी जो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो कहां से दे देंगे, फ्रॉम डे वन दे देंगे, जब से प्रीवियस ओनर ने एसेट को होल्ड किया है, एक्सेप्ट कि अगर वो 1 अप्रैल 2001 से पहले लिया गया है तो 2001 एंड 2 का CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दैट इज 100 हम लेंगे। तो यहां पे वही किया गया है, मंजुला जे शाह की जजमेंट को यहां पे अप्लाई किया गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स किया गया है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स, सो 36 मंथ्स, क्योंकि ज्वेलरी है 36 मंथ्स, तो इसलिए इसको इंडेक्स किया गया है। तो यहां पे जो गेन आएगा दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब असेसी सेक्शन 54F का लाभ लेना चाहता है और वो बता रहा है कि उसने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक 8 लाख रुपया घर को कंस्ट्रक्ट करने में खर्च दिया और 9 लाख रुपीज उसने स्कीम में डिपॉजिट करवा दिया। तो इस तरीके से असेसी ने 17 लाख रुपीज क्या कर दिए हैं, इन्वेस्ट कर दिए हैं, एंड ए फर्दर सम ऑफ 1,50,000 उसने और जमा करवा दिया स्कीम में। देखो बेटा, जो स्कीम में जमा करवाने की डेट है दैट इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अगर उसके बाद असेसी कुछ भी जमा करवाता है तो उसको इसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो ये पैसा जो उसने किया है फर्दर सम, तो ये वेस्ट है, ये डेटा सुपरफ्लोस है, फालतू डेटा है।
नेक्स्ट, अब असेसी ने टोटल मिलाकर कितना इन्वेस्ट कर दिया है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक, 17 लाख। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो पूरा 22 लाख इन्वेस्ट कर देता तो हम सारा ही गेन छोड़ देते, लेकिन असेसी ने कम इन्वेस्ट किया है, 17 लाख ही इन्वेस्ट किया आउट ऑफ 22 लाख। तो हम प्रपोर्शनेटली, हम भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या छोड़ेंगे, प्रपोर्शनेटली छोड़ेंगे, तो इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन छोड़ दिया जाएगा एंड बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें एक बात है, आप देखेंगे कि असेसी ने यहां पर तो ये काम कर दिया, बाद में उसने 9 लाख जो स्कीम में डिपॉजिट करवाया था उसमें से सिर्फ 8 लाख रुपया ही स्कीम से विड्रॉ किया है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपया असेसी ने स्कीम में ही पड़ा रह गया। जब 3 साल पूरे होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तब असेसी इस स्कीम से पैसे को विड्रॉ कर सकता है। उस साल में हम ये पैसा इसका रिकास्ट करेंगे कि इसको 54F की एग्जम्पशन कितनी हमने दे दी थी और कितनी एग्जम्पशन इसको देनी बनती थी। कितनी एग्जम्पशन हमने उसको 54 की दे दी थी ये तो आपको पता है, 5,83,409 इज द अमाउंट, 5,83,409 जितनी एग्जम्पशन उसको अंडर सेक्शन 54F दे दी गई थी। लेकिन अगर हम इसको रिकास्ट करें कि कितनी एग्जम्पशन उसको देनी इन रियलिटी बनती थी, कि 7,55,000 का जो गेन था उसमें से असेसी प्रैक्टिकली 16 लाख ही यूटिलाइज कर पाया है, क्योंकि 1 लाख तो स्कीम के अंदर पड़ा रह गया जिसको उसने यूज नहीं किया। तो टोटल 22 लाख के अगेंस्ट असेसी ने 16 लाख को ही यूटिलाइज किया है। सो हम प्रपोर्शनेट उसको डिडक्शन जो बनेगी वो उसको ग्रांट कर देंगे, तो ये प्रपोर्शनेट डिडक्शन बनती है बेटा 7,55,000 इंटू 16 लाख ऑब्लिक 22 लाख, That comes to 5,49,091 रुपए। तो इतने रुपए ही उसको exemption मिलनी बनती थी, जबकि हमारा assessee हमसे जो exemption claim करके ले गया है वो ले गया है 5,83,409। तो प्रैक्टिकली assessee 34,318 रुपए की ज्यादा exemption claim करके ले गया था। तो इसको हम इस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना लेंगे जब ये 3 साल क्या होंगे, एक्सपायर होंगे। तो ये 3 साल एक्सपायर होंगे 2022-23 में, जो कि असेसमेंट ईयर बनेगा प्रीवियस ईयर 2022-23 है और असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ 23-24। तो इस साल में ये जो एक्सेस मनी बनता है इट विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इसको हम क्या कर लेंगे, टैक्स कर लेंगे। देखो ये इसमें ये तो एक ही एसेट, एक ही घर था जिसमें एक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जिसको असेसी ने एक घर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। कई बार इसमें क्या होता है कि असेसी को कई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए होते हैं और वो सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो उसको हुए होते हैं उनके अगेंस्ट वो एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्जम्पशन कैसे मिलती है, क्योंकि उस समय इसमें एक थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दिनेश परचेज ज्वेलरी वर्थ 2,80,000 ड्यूरिंग द ईयर 2004 एंड 5। मिस्टर दिनेश ने 2,80,000 रुपए की ज्वेलरी खरीदी इन द ईयर 2004 एंड 5। During the year 2010 and 11, he further purchased jewelry worth 3,90,000 और ज्वेलरी खरीदी। सारी ज्वेलरी उसने 15 मई 2019 को सेल कर दी, दैट इज इन द ईयर 2019 एंड 20। जो ज्वेलरी उसने 2004-5 में खरीदी थी इट वॉज सोल्ड फॉर 850 और जो ज्वेलरी 10-11 में खरीदी थी इट वॉज अगेन सोल्ड फॉर 850। ये भी 850 में क्या कर दी गई है, बेच दी गई है। एक सेकेंड, ही परचेज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 3,95,000 ऑन 4 जनवरी 2020। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एग्जम्पशन क्लेम करनी होती है, सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंप्यूट करो, उसके बाद देखेंगे दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें क्या करना है, कि हमें एग्जम्पशन को देखना है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करने जा रहे हैं, कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है असेसी ने प्रॉपर्टी कब बेची है, ज्वेलरी कब बेची है कैपिटल एसेट, 15 मई 2019, दैट इज इन द ईयर 2019 एंड 20, असेसमेंट ईयर 2021। तो
तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितने में ज्वेलरी बेची गई है, दोनों ज्वेलरी को अलग अलग बेचते हैं, हम पहले वाली ज्वेलरी बेच रहे हैं जो उसने परचेज करी थी इन द ईयर 2004 एंड 5। देखिए ये ज्वेलरी उसने बेची 8,50,000, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी पहली ज्वेलरी की 2,80,000, दिया हुआ था क्वेश्चन में 280। कब खरीदी थी? इन द ईयर 2004 एंड 5। तो 4 एंड 5 का जो CII है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, दैट इज 113। ये कौन से साल का है? CII 2004 एंड 5 का CII है, दैट इज 113, ये लिया गया है। एंड CII जिस साल में बेचा गया है, दैट इज 2019 एंड 20। 2019 एंड 20 का CII लिया गया है 289, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और इसको कंप्यूट किया गया है एंड गेन आता है 1,33,894, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट ज्वेलरी। ये फर्स्ट ज्वेलरी। अब ऐसे ही हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर फ्रॉम सेकंड ज्वेलरी कंप्यूट करते हैं कि इट वाज सोल्ड फॉर 8,50,000 अगेन, एंड इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी दैट वाज 390, बट इट वाज परचेज इन द ईयर 2010 एंड 11। तो CII हमें 2010 एंड 11 का चाहिए एंड दैट इज 167, तो उसको लेकर ये कंप्यूट किया गया है। तो जो बचेगा दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले वाली ज्वेलरी को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 1,33,894। सेकेंड वाली लॉन्ग टर्म ज्वेलरी को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 1,75,090। अब आपको ये तो पता है कि दोनों से कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। अब असेसी ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है वो आप देखेंगे तो 395 का तो उसने प्लॉट खरीद लिया और 5,00,000 रुपए उसने स्कीम में जमा करवा दिया और 2,00,000 उसने स्कीम में जमा करवाया लेट। तो जो लेट जमा करवाया, मैंने पहले भी बोला ये तो फालतू डेटा होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो उसी समय काट दो। तो प्रैक्टिकली असेसी ने 8,95,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, जबकि आप अगर नेट कंसिडरेशन देखनी शुरू कर दें इस क्वेश्चन के अंदर तो वो बनती है 8.5 और 8.5, इट बिकम 17,00,000। कि अगर असेसी 17,00,000 इन्वेस्ट कर देता फिर तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 दोनों ही छोड़ देते, दोनों ही एग्जम्प्ट हो जाते। लेकिन हालात ये हैं कि असेसी ने 17,00,000 ना इन्वेस्ट करके 8,95,000 इन्वेस्ट किया है। अब इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो आप ये सोचना शुरू कर दो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ओवरऑल अप्रोच जो है वो फॉलो कर लें, कि आप ये बोलें कि पहले से गेन हुआ 1,33,894, कि पहले से गेन हुआ 1,33,894, ये पहले वाला गेन हो गया हमारा। दूसरे वाला गेन ले लीजिए 1,75,090 रुपीज़, दूसरे वाला गेन ले लीजिए 1,75,090, 1,75,090। तो आप इन दोनों का टोटल मार लीजिए। एक तो आपके पास अप्रोच ये है कि ये आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, कि टोटल मिलाकर असेसी के पास ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया दोनों का टोटल। इधर से देख लेते हैं हम कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 3,08,984 रुपये, 3,08,984। और जो असेसी की नेट कंसिडरेशन है वो है 17,00,000। तो अगर असेसी 17,00,000 इन्वेस्ट कर दे फिर तो हम सारा गेन छोड़ देंगे, लेकिन असेसी सारा नहीं ना इन्वेस्ट कर रहा, असेसी इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ 8,95,000 रुपया आउट ऑफ 17,00,000। तो हम एक तो प्रोपोर्शनेटली इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट करेंगे, एक सेकेंड, सो 3,08,984 × 8,95,000/17,00,000, तो ऐसी सिचुएशन में गेन आएगा 16,000। ऐसी सिचुएशन में जो एग्जम्प्शन आएगी इट विल बी 1,62,671 रुपये, कि इतने रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट निकलेगा। और एक दूसरी बात हो सकती है, दैट इज स्मार्ट वर्क, कि आप क्या कर लें, स्मार्ट वर्क कर लें, और वो कैसे, कि जो हमें फर्स्ट ज्वेलरी है, फर्स्ट हमारा कैपिटल एसेट है, उसके केस में हमें कैपिटल गेन हुआ 1,33,894,
और जो आपको नेट कंसिडरेशन मिली थी उस केस में दैट वॉज 8,50,000, और आप इसकी परसेंटेज कंप्यूट करके देखेंगे अगर कि कितने परसेंट गेन आया है, सो इट इज 15.75%। और ज्वेलरी टू को देखेंगे तो उस केस में गेन आया है 1,75,090, और उसमें भी नेट कंसिडरेशन जो दी हुई है दैट इज 8,50,000। याद रखिएगा, नेट कंसिडरेशन जब आपने कंप्यूट करनी होती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बीच में से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के बीच में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपने लेस करने होते हैं। तो इसकी भी अगर आप परसेंटेज वर्कआउट करके देखेंगे तो इट कम्स टू 20.59 और 20.60%। अब बेटा आप स्मार्ट वर्क कीजिए, जब आपको पता हो कि इन्होंने प्रोपोर्शनेट डिडक्शन देनी है तो आप क्या बोलोगे कि जो आपने टोटल मिलाकर 8,95,000 रुपया इन्वेस्ट किया है उसमें से पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, इस गेन को देंगे, इस वाली ज्वेलरी के अगेंस्ट मानेंगे इसको, या इसके अगेंस्ट मानेंगे? बेटा जिसके अगेंस्ट परसेंटेज ज़्यादा है उसके अगेंस्ट मानने का फायदा है। सो आप ये मान लीजिए कि इस 8,95,000 के बीच में से असेसी ने 8.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए अगेंस्ट ज्वेलरी टू। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका ये वाला सारा गेन तो प्रैक्टिकली एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्वेलरी टू के अगेंस्ट नेट कंसिडरेशन कितनी है 8,50,000, और असेसी ने तो कितना इन्वेस्ट किया है 8,95,000 इन्वेस्ट किया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि बैलेंस क्या बचा, बैलेंस बचा बेटा 45,000। तो अब आप ये प्रज्यूम कर लीजिए कि ये 40 इस वाले ज्वेलरी वन के अगेंस्ट जो गेन हुआ है 133,894, उसमें असेसी ने सिर्फ 45,000 ही अगेंस्ट नेट कंसिडरेशन ऑफ 8,50,000 असेसी हैज इन्वेस्टेड जस्ट 45,000। इससे आपको प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिल जाएगी 1,33,894 इंटू 45,000 असेसी ने इन्वेस्ट किया अगेंस्ट नेट कंसिडरेशन ऑफ 8,50,000। तो बेटा आपको पता लग जाएगा 1,33,894 इंटू 45,000/8,50,000, तो ये आपके पास आएगा 7,07089। तो इससे आपको ये पता लग गया कि कितना गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा क्योंकि एसएससी ने 8,50 का 8,50 इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, इसके अगेंस्ट एसएससी ने कम इन्वेस्ट किया है तो उसकी कम गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली दो गेन आपके यहाँ बन जाते हैं जो एग्जम्प्ट हो जाएंगे। सो 175,090 +7,089, आप इन दोनों को अगर देखेंगे तो 175,090 +7,089 तो टोटल कम्स टू 182,179। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर आपने प्लेन ब्लैंकेट प्रोविजन अप्लाई करी तो आपका गेन एग्जम्प्ट आता है, LTCG एग्जम्प्टेड आता है अंडर सेक्शन 54F दैट इज 1,62,000, और अदरवाइज आप देखेंगे तो ये गेन एग्जम्प्ट आता है 182,179। तो विच अप्रोच यू शुड फॉलो, तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, दोनों कैपिटल गेन्स तीनों चारों जितने कैपिटल गेन्स हैं उनको रख लीजिए, यहाँ रखिए कैपिटल गेन और कैपिटल गेन के सामने रखिए नेट कंसीडरेशन, और इनकी रेशो बनाइए, इनकी परसेंटेज बनाइए, जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दीजिए, और फिर आप जो बैलेंस पैसा बचता है वो लीस्ट प्रायोरिटी को देंगे। इस तरीके से आप गेन कंप्यूट करेंगे तो आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर से इस इलस्ट्रेशन को घर पे करके देखिए और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको करके देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो हमने क्या पढ़ा, 54F के अंदर फिर क्या पढ़ा कि दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली असेसेस, और उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट एक्सेप्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और वो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करें इन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, चाहे तो वो एक अगर परचेज करना चाहते हैं न्यू हाउस तो वो 1 साल पहले के दौरान या 2 साल बाद, और अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो 3 साल बाद के दौरान वो इसको कंस्ट्रक्ट जो है वो कर सकते हैं। आपने
पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखिए और वहां से निकालकर इस पैसे को परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये बातें हमने पढ़ ली। तो ये सेक्शन था, इसमें बार बार आपको ये प्रोविजन से अवेयर करा रहा हूं। कौन से वाली बात कि ये बेनिफिट एसएससी को सिर्फ तभी मिलेगा कि इस घर को छोड़कर जो उसने 54F के पर्पस के लिए खरीदा है, एसएससी के पास डेट ऑफ ट्रांसफर वाले दिन एक और घर मैक्सिमम हो सकता है। अगर एसएससी के पास एक से ज्यादा घर हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट द हाउस परचेज फॉर सेक्शन 54F, तो एसएससी इस सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? थैंक यू सो मच, टेक केयर।